साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तिरमिनी के ग्राम पंचायत रहट गांव में खेल प्रेमियों द्वारा सरपंच को आज खेल मैदान के लिए ज्ञापन सौंपा गया। रहट गांव ग्राम पंचायत को तहसील का दर्जा मिले हुए कई वर्ष बीत चुके हैं और आज की स्थिति में हरदा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसमें आज तक खेल मैदान नहीं है, जिससे खेल मैदान के अभाव में खेल प्रेमियों को अन्य जगह अभ्यास करने जाना पड़ता है। इस ग्राम पंचायत से कई खेलों में खिलाड़ियों ने जिला तथा राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर भी अपना प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। अखबार के माध्यम से या खबरों के माध्यम से यह पता चला था कि पूर्व में भी तहसील कार्यालय के समीप खेल मैदान हेतु सीमांकन करवाया था, किंतु आज दिनांक तक खिलाड़ियों को खेल मैदान की सुविधा नहीं मिल पाई है। के लिए ज्ञापन देने आए हैं, तो अब हम तहसील विभाग से जानकारी करते हैं, जहाँ उचित व्यवस्था अगर जगह होगी तो खेल ग्राउंड की कार्रवाई की जाएगी। नाम श्रवण कुमार जोशी है जी, और आप? मैं MPCA में डिविजनल अंपायर हूँ, साथ में यहाँ रहटगांव में पूर्व क्रिकेटर रहा हूँ और लगातार कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा जितनी अल्प सुविधाएं थी उस अल्प सुविधाओं में लगातार उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करके अपने क्षेत्र और गाँव का नाम नियमित रूप से रोशन किया गया। वो वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि कराटे हो चाहे क्रिकेट हो चाहे दूसरे अन्य खेल है, उसमें लगातार खिलाड़ी राज्य स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक अपने खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि उनको खेल सुविधाओं का इस ग्राम पंचायत में जो कि तहसील स्तर की ग्राम पंचायत है उसमें कहीं ना कहीं खेल सुविधा और खेल मैदान का अभाव है। तो हम यहाँ सरपंच साहब और सचिव महोदय से यही निवेदन करने आए थे कि अगर यहाँ खेल मैदान की व्यवस्था हो जाएगी तो आने वाले समय में निश्चित ही यहाँ बहुत सी ऐसी प्रतिभाएँ जिनमें बहुत योग्यताएँ हैं, तो वो अपने प्रदर्शन से निश्चित ही गांव का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।